स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, कुरियल उरुबान और फ्रेंडशिप मूवी रिलीज के पूरे 2 दिन कंप्लीट हुई हैं और सिटी मार मूवी रिलीज के पूरे 9 दिन यानी दूसरा वीकेंड शुरू हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कुरियल उरुबान और फ्रेंडशिप मूवी ने अपने 2 दिनों में इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ की कलेक्शन की। साथ ही साथ दोस्तों, मूवी सिटी मार ने अपने इन 9 दिनों में टोटली वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ की कलेक्शन अब तक कर ली है। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें मूवी कुरियल उरुबान के बारे में। तो दोस्तों, कुरियल उरुबान मूवी 17 सितंबर को यानी कल रिलीज हुई है। इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 10 करोड़ रुपए, लेकिन मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेच के यानी नॉन थिएटरिकल बिजनेस कर लिया था पूरे 13 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों, मूवी ने यानी कुरियल उरुबान मूवी ने रिलीज के पहले दिन यानी कल टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 2 करोड़ रुपए। बात की जाए मूवी के दूसरे दिन की कलेक्शन की यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार कुरियल उरुबान मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, मूवी के अपने 2 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 3 करोड़ 80 लाख रुपए। वही दोस्तों, मूवी के 2 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 4 करोड़ लगभग 40 लाख रुपए। कलेक्शन की बात की जाए ओवरसीज मार्केट की, तो दोस्तों इन 2 दिनों में रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन करने लगे हैं लगभग 20 लाख रुपए। तो दोस्तों, जहाँ पे मूवी के अपने 2 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते हैं लगभग 4 करोड़ 40 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी के 2 दिनों का टोटल ओवरसीज कलेक्शन आते हैं लगभग 20 लाख रुपए। यानी कुरियल उरुबान मूवी के 2 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन होते हैं लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है कुरियल उरुबान मूवी के 2 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो की हो चुकी है लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए। वही दोस्तों, बात की जाए मूवी फ्रेंडशिप के बारे में, तो दोस्तों फ्रेंडशिप मूवी जो की एक्शन और स्पोर्ट बेस्ड मूवी है, ये मूवी कल 17 सितंबर को रिलीज हुई है। इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 8 करोड़ रुपए, लेकिन दोस्तों मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस की यानी इस मूवी ने जो प्री रिलीज बिजनेस किया है पूरे 10 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों, इस मूवी से जिस हिसाब से उम्मीद था उस उम्मीद पे खरे नहीं हो पाए। कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों, मूवी ने रिलीज के पहले दिन यानी कल टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था 1 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए मूवी के दूसरे दिन यानी आज की कलेक्शन की, तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार ये मूवी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे है लगभग 90 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, मूवी के अपने 2 दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होते पूरे 2 करोड़ 40 लाख रुपए। वही दोस्तों, मूवी के 2 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होने लगे है लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए। बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की, तो दोस्तों इन 2 दिनों में टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से ये मूवी कलेक्शन कर लिया है लगभग 25 लाख रुपए। तो दोस्तों, जहाँ पे मूवी ने अपने 2 दिनों में टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है लगभग 3 करोड़ 25 लाख रुपए, वही दोस्तों मूवी के 2 दिनों का टोटल ओवरसीज कलेक्शन आते हैं लगभग 25 लाख रुपए। यानी फ्रेंडशिप मूवी ने अपने इन 2 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करने लगे है लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, यही है फ्रेंडशिप मूवी के अपने 2 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो की हो चुकी है लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों, बात की जाए मूवी सिटी मार के बारे में, तो दोस्तों सिटी मार पावर पैक एक्शन तेलुगु मूवी रिलीज के आज पूरे 9 दिन कंप्लीट हुई है। बात की जाए इस मूवी के बजट की,
तो दोस्तों इस मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 20 यानी 20 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने से पहले ही मूवी के डिजिटल सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स को बेस के टोटली 17 करोड़ की रिकवरी पहले ही कर ली थी। बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों मूवी ने रिलीज के पहले दिन टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 4 करोड़ 10 लाख रुपए। दूसरे दिन पे इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 3 करोड़ 50 लाख रुपए और तीसरे दिन पे 3 करोड़ की नेट कलेक्शन कर लिया था। इसी तरह से मूवी ने पहले वीकेंड पे यानी 7 दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 16 करोड़ रुपए। बात की जाए मूवी के दूसरे वीकेंड की कलेक्शन की तो दोस्तों मूवी ने अपने 8वें दिन पे यानी कल टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 1 करोड़ 50 लाख रुपए। और मूवी के 9वें दिन की बात की जाए यानी आज के कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार सिटी मान मूवी को अच्छा खासा रेस्पॉन्स आज भी मिलने लगे हैं। और कलेक्शन की बात की जाए तो दोस्तों आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करने लगे हैं लगभग 1 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों सिटी मार मूवी के अपने 9 दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन होते पूरे 18 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों सिटी मार मूवी के अपने 9 दिनों का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते पूरे 22 करोड़ रुपए। बात की जाए ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की तो दोस्तों सिटी मार मूवी ने अपने इन 9 दिनों में टोटल ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन की है लगभग 1 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहाँ पे मूवी ने अपने 9 दिनों में टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 22 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने अपने 9 दिनों में टोटल ओवरसीज मार्केट से टोटल कलेक्शन की है पूरे 1 करोड़ रुपए। यानी पावर पैक गोपी चंद स्टारर मूवी सिटी मार ने अपने 9 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 23 यानी 23 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है सिटी मार मूवी के अपने 9 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हो चुकी है लगभग 23 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज के वीडियो पे इतना ही, आगे के अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूंगा इन तीनों मूवी में से अगर आपने किसी मूवी को देख लिया है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा मूवी कैसी बनी है। तो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय दोस्तों।